नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने बन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और बहुत ही अच्छे से झमाझम बारिश हो रही है जिसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और इस मौसम को तो हर कोई इंजॉय करना चाहता है, कोई गर्म पकौड़ियाँ खाना चाहता है तो कोई बिस्तर में सोए रहना पसंद करता है। लेकिन हम जो गार्डनर होते हैं, हमें सबसे अच्छा क्या लगता है कि एक खाली गमला हो और सुंदर सा पौधा हो जिसे हम लगाएं या ढेरों कटिंग लगाएं, जिससे कि हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत प्लांट हो जाएं। तो हम इस मौसम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और हाँ दोस्तों, कई हमारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं कि आप बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हम उसके अलावा कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो डालती रहूँगी और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट भी आते रहेंगे, इसे मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम गार्डनर को तो बस एक गमला चाहिए और प्लांट चाहिए जिसे हम इस मौसम को भरपूर एंजॉय कर सकें। तो चलिए लगाते हैं बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो आपके गार्डन में बहुत ही कलरफुल रंगों से बिखेर देता है, जिसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि नर्सरी जाएं और उसे लेके ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और लेकिन वो थोड़ा सेंसिटिव प्लांट है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा न ठंड पसंद है न बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद है। लेकिन हमारी इच्छा तो होती ही है कि हम उसे लगाएं, और लगाना भी बहुत इजी है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा प्लांट लगाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये है क्रोटन। ऐसे क्रोटन की तो बहुत सारी वैरायटी आती है, इतने सुंदर सुंदर इसके पत्तियां होती हैं और इतने सुंदर सुंदर कलर होते हैं। एक प्लांट में कई कलर की पत्तियां होती हैं जो बहुत ही सुंदर दिखती हैं। ये मैं लेके आई हूँ, ये है क्रोटन का गोल्डन डस्ट। ये देखिए इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत हैं। तो बहुत ही अच्छा और हेल्दी ये प्लांट मुझे मिला, जिसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसे लेके। तो चलिए इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, इस मानसून सीजन में तो रिपोर्टिंग करना तो बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गमले की। ये देखिए, ये मेरा 10 इंच का गमला है, इसमें हम बहुत ही आसानी से ये प्लांट लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि गमला मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप प्लास्टिक के गमले लेते हैं तो उसमें बहुत सारे होल बनाइए, क्योंकि प्लास्टिक के होल में गमले में 2-3 होल से नहीं चलता है, उसमें खूब सारे होल बनाने पड़ते हैं, नहीं तो हमारा प्लांट खराब हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन ज़्यादा अच्छा मिट्टी का गमला होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कबाड़ से भी जुगाड़ करके अपने प्लांट को लगा सकते हैं। तो 8-10 इंच का गमला बहुत ही अच्छा होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत बड़े गमले की हमें ज़रूरत नहीं है क्रोटन लगाने के लिए। तो मैंने अपना प्लांट ये ग्रो बैग से निकाल लिया है, और ये देखिए, अगर हम इस चिकनी मिट्टी के साथ अपने क्रोटन को रिपोर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा और इसका ग्रोथ भी नहीं होगा। ये देखिए कितनी चिकनी मिट्टी है। तो ये गलती कभी ना करें, चिकनी मिट्टी को आपको धीरे से हटाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो ये बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं करेगा और ख़राब भी हो सकता है। तो इस चिकनी मिट्टी को तो हमें हटाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इस अपने प्लांट को कुछ देर पानी में छोड़ना होगा, जिससे कि इसकी मिट्टी गीली हो जाए और मैं हल्के से इसे हटा लूँ, तब जाके मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँ। ये देखिए, मैंने इसकी मिट्टी को हटा लिया है। बिल्कुल डरिए मत, बस सावधानी से कि इसकी जड़ें को ज़्यादा नुकसान ना हो, और सारी मिट्टी को हटा लीजिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी इसे बढ़ने नहीं देगी। तो इस तरीके से हमें हल्के से इसकी सारी मिट्टी को हटा लेना है। आइए बात करते हैं कि इस प्लांट के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। तो इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है, तो सबसे पहला काम है कि
अपने गमले का ड्रेनेज होल को एकदम क्लियर रखना है, जिससे कि पानी डालें और तुरंत निकल जाए। और मिट्टी में जहाँ तक मैंने मिलाया है, इसमें एक हिस्सा अपने गार्डन की मिट्टी है और एक हिस्सा रेत है और एक हिस्सा पुराने गोबर की खाद है। आप पुराने गोबर के खाद की जगह पे वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और रेत की जगह पे कोकोपीट भी डाल सकते हैं। जो भी उपलब्ध हो आप डाल दीजिए, बस सामान्य रूप से इसकी मिट्टी को तैयार करना है। अब मैं इस मिट्टी धीरे से निकाल लूंगी। जब भी आप अपने गमले में नए प्लांट लगाने जा रहे हो तो मिट्टी को अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर कोई पुराना प्लांट इसमें पहले से लगा हुआ हो तो अपनी मिट्टी की कोशिश करिए कि एक बार धूप अच्छे से दिखा लें, तब कोई प्लांट की रिपोर्टिंग करें। अगर धूप नहीं दिखा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छे से चेक कर लीजिए कि पहले की कोई जड़े या कुछ ऐसी चीज़ें जो कंकड़ पत्थर ऐसा तो नहीं है, तब जाके अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिए। तो मैंने अपने प्लांट को लगा दिया है। अब बात करते हैं कि एक पौधे से अनेक पौधे कैसे बनाए क्रोटन के, क्योंकि क्रोटन महंगा ही मिलता है हमारे हिसाब से। तो ये सबसे सस्ता वाला जो हमारा प्लांट है ये गोल्डन डस्टी है, नहीं तो इससे सारे ही महंगे ही मिलते हैं, यानी 100 के ऊपर। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितनी ज़्यादा कटिंग लगा लें और एक से कई पौधे बना लें। तो इसकी छोटी छोटी कटिंग लग जाती है, बस अपने प्लांट को थोड़ा मैच्योर होने दें, उसके बाद इसकी कटिंग आप चाहें तो ढेरों लगा सकते हैं। बहुत ही इजली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। यदि आपको कहीं पब्लिक प्लेस या पार्क वगैरह में कहीं भी दिखे तो आप इसकी छोटी सी कटिंग लगाइए और ले आइए और लगा दीजिए, इस मानसून सीजन में बहुत ही इजली ग्रो हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसे प्लेस कहाँ करना है। तो हमें इसे ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट मिलती हो, यानी इसे आप डायरेक्ट धूप में भी मत रखिए और न ही डीप एरिया में रखिए। इसे इस ऐसे एरिया में प्लेस करना है जहाँ हमें बहुत अच्छे से रोशनी मिलती हो, यानी इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट, ऐसे में आप इसे प्लेस कर सकते हैं। तो हमारा ये क्रोटन का प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें पानी कितना डालना है और कब डालना है। तो पानी हमें तभी डालना है जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी फंगस का शिकार हो जाता है और बहुत ज़्यादा पानी डालने से इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि बहुत ही बैलेंस में अपने क्रोटन में पानी डालना है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने देना है और बहुत ज़्यादा ओवरवाटरिंग भी हमें नहीं करनी है, यानी ऊपर की मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए तभी इसमें आप पानी डालिए। अब बरसात के दिनों में अगर बहुत ज़्यादा इसमें पानी गिर रहा हो बारिश का, तो थोड़ी इसे सीडी एरिया में रख दीजिए, जिससे कि इसे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा जमा ना हो, जिससे कि हमारा प्लांट खराब होने से बच जाए। और हर 15-20 दिन या एक महीने में इसको नाइट्रोजन युक्त इसमें फर्टिलाइजर डालते जाना है, जिससे कि इसकी पत्तियों की शाइनिंग बनी रहे और हमारा ये प्लांट हरा भरा रहे। तो इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट या 8-10 दाने DAP के डाल सकते हैं, और इसमें अगर आप चाहें तो किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, पुराने गोबर का खाद भी डाल सकते हैं एक मुट्ठी महीने में एक बार। तो इस तरीके से हमारा प्लांट बहुत ही हरा भरा हेल्दी बना रहेगा और पत्तियों में भी शाइन बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि क्या इसमें माइट वगैरह का अटैक होता है। तो हाँ, कभी कभी इसकी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, इसमें माइट का अटैक होता है। इसमें और भी जैसे मिली बग भी कभी कभी अटैक कर देता है। तो ऐसे में आप कोई शैम्पू या लिक्विड सोप का बना के डाल सकते हैं, जिसके लिए आप मैंने एक वीडियो भी डाला था। इसके लिए क्या करना है कि एक बाल्टी पानी में आप चाहें तो 2 चम्मच शैम्पू मिला के सारे ही प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट कीड़े मकोड़ों से दूर रहेगा और हेल्दी चलता रहेगा। इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो होता है फरवरी से लेके अक्टूबर तक। जब थोड़ी ठंड पड़ने लगती है तो इसकी पत्तियां गिरने लगती हैं और ये डारमेंसी पीरियड में चला जाता है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आता है ये फिर से ग्रो होने लगता है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी इस प्लांट को बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम अच्छे से देख रेख करें तो ये हमारा प्लांट सालों साल चलता रहता है। और अपने प्लांट को घना कैसे बनाएं, बुशी कैसे बनाएं, जिससे कि ये बहुत सुंदर शेप में आ जाए और बहुत सुंदर दिखने लगे। तो इसके लिए ऊपर से थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करते रहिए महीने 1-2 महीने में, जिससे कि आपका प्लांट बहुत ही घना और सुंदर सा बन जाएगा।
तो इस तरीके से आप क्रोटन की देखभाल कर सकते हैं बहुत ईजिली। एक परमानेंट प्लांट है, एक प्लांट से चाहें तो आप कितने सारे प्लांट बना सकते हैं। और इसके पत्तियों को क्लीन रखिए जिससे कि साइन बनी रहे, क्योंकि इसकी पत्तियों से ही खूबसूरती है। तो इस तरीके से आप क्रोटन का ढेरों प्लांट लगाइए, रंग बिरंगे पत्तियों वाला बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल प्लांट है। इसे तो अपने गार्डन में ज़रूरी ऐड करना चाहिए। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।